आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी की रियल आइसक्रीम। क्या असल में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या फिर किसी और भी किस्म की किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम किस तरह बनती है, तो हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, जिसे आप आराम से घर में बना सकते हैं। न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इसे आप सेव करके भी रख सकते हैं और बहुत जबरदस्त जायका इसका। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 300 ml दूध ले लिया है, इसे हम बॉईल करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, जिस तरह से कंडेंस मिल्क होता है। अब यहाँ पर हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पर कर देंगे। और अब हम तैयार करेंगे स्ट्रॉबेरी की जेली। अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी ले ली है 300 ग्राम, इसे हम काट लेंगे और इसके बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसका एक पल्प सा तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। तो अब हम इसे सॉस पैन में डालेंगे और इसके साथ ही हम 4 टेबलस्पून शुगर भी डालेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन हम इसे 5 मिनट्स पकाएंगे, ताकि इसके एक जेली फॉर्म में हमारे पास तैयार हो जाए। जनाब, दोनों चीज़ें हमारे पास ठंडी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इससे आइसक्रीम का जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा आता है। अब तकरीबन जगहों पर जो है व्हिपिंग क्रीम दस्तियाब है, आसानी से मिल जाती है, तो इसमें से हम 300 ग्राम के करीब जो है व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसे हैंड बीटर की मदद से जो है अच्छे तरीके से फेंट लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए हैंड बीटर का होना लाजमी शर्त होती है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी जेल और कंडेंस मिल्क और दोबारा से इसे तकरीबन 1 मिनट बीट करेंगे। जनाब, तो हमारी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए या फिर 8 घंटों के लिए जो है फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इसका। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी? इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला आइसक्रीम का फ्लेवर है। इसके लिए हमने यहाँ पे 300 ml दूध और 100 ग्राम शुगर ली है, जिसे हम ऐड करेंगे, आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे, शुगर को हल करेंगे और उसके बाद इसे हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसानी से ये आइसक्रीम बनने वाली है। इसके अंदर हम व्हिप क्रीम भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो आइसक्रीम का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बटरी और क्रीमी आएगा। धीमी आंच पर इसे पकाना है। यहाँ पर हमें तकरीबन धीमी आंच पर इसे 10 मिनट तक पकाना है।
अब यहाँ पर हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें मिल्क पाउडर है, कोकोआ पाउडर है और यहाँ पर जो है चॉकलेट फूड कलर है, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे इसमें बाहर वाले जो हैं आइसक्रीम में चॉकलेट फूड कलर ऐड करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर चॉकलेट एसेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, यहाँ हमने एक कप मिल्क पाउडर ले लिया है, एक चुटकी बेकिंग सोडा ले लिया है और 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर ले लिया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। दूध हमारा इस तरह से हो चुका है जिस तरह गुलाब जामुन का शीरा पानी में बनाते हैं, ये देखें आप। तो अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारे पास चॉकलेट कंडेंस मिल्क बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं महीने भर के लिए, ये बिल्कुल कहीं ख़राब होने वाला नहीं है। इसे आप बच्चों को पराठों पे लगा के दे सकते हैं, स्लाइस पे लगा के ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच बॉक्स बनाकर दे सकते हैं। और जनाब इतना ही नहीं, बल्कि जो ये आपके पास सेफ रहेगा तो इससे आप मज़ेदार सी आइसक्रीम जब दिल करे तब बना सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून में चॉकलेट एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से हर बड़े स्टोर पर मिल जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, देख सकते हैं आप। ये सारा प्रोसेस हमें विक्स की मदद से ही करना है ताकि इसके अंदर जो है लम्स ना रहें। अब यहाँ पर हमने 2 बलाई ले ली हैं, एक तो रेडीमेड जो पैकेट में आती है और एक जो है घर की जो दूध की उतरी हुई मलाई होती है जिसे हम सेव करते रहते हैं, वो है यहाँ पर। इससे जो आइसक्रीम का जब हम खाएंगे तो हमारे ज़बान पर जो एक बटरी स्टैक वो होता है ना जायका, वो आएगा। तो जनाब यहाँ पर हमने एक बाउल में इसे ऐड करेंगे और साथ ही हमने ऑलपास का एक पैकेट ले लिया है, ये भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। विक्स की मदद से अच्छे से इसे बीट करेंगे ताकि दोनों जो बलाई हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। यहाँ पर मैं हाथ से ही सब कुछ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर जो चॉकलेट कंडेंस मिल्क हमने रेडी किया था इसे हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे गुनगुना भी नहीं है बल्कि इसे बिल्कुल हमने ठंडा किया है। अब हम इस चॉकलेट कंडेंस मिल्क को बलाई और क्रीम में ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। जब तक इसे आप मिक्स करें, जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से यकजान ना हो जाएं। तो ये देखें आप माशाल्लाह से। अब यहाँ पर हम थोड़े से चॉकलेट चम्स ऐड कर रहे हैं, मैंने एक छोटी चॉकलेट लेकर उसे ग्रेट करके इसमें मिक्स कर लिया है, क्योंकि जब हम चॉकलेट आइसक्रीम खाएं और मुंह में बारीक बारीक से चॉकलेट के चम्स आएं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। यहाँ पर हमने एक कैंटीनर ले लिया है या फिर आप एयरटाइट बॉक्स भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे तमाम मिक्सचर को और इसे ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे सेट होने के लिए। तो हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है, आइए आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आया था और आप लुक देख सकते हैं इसकी, इसकी लुक जो है वो ख़ुद आपको बता रही है कि ये कितनी ज़बरदस्त बनके रेडी हुई है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखें आप कितनी आसानी से निकल रही है, इतनी क्रीमी इतनी रिच बन के ये रेडी हुई थी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है इस गर्मी में चॉकलेट आइसक्रीम के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम
मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होती है। घर पे ये आसानी से बन जाती है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये फ्रेश और मज़ेदार बनती है बनिस्बत बाज़ार के मुकाबले में। तो इसके लिए हम जो है मैंगो ले लेंगे। यहाँ पे दो मैंगो लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के और उसकी मैं प्यूरी बना लूँगी। बहुत ही आसान झटपट बनने वाली आइसक्रीम है ये। तो ये देखें प्यूरी हमारी रेडी है। तो अब हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे और सबसे पहले हम इसके अंदर विप क्रीम ऐड करेंगे 250 ml। विप क्रीम जो है आपकी बहुत ज़्यादा चिल होनी चाहिए, ख़ास करके जब गर्मी के मौसम हो तो आपकी जो विप क्रीम है वो बहुत ज़्यादा चिल होनी चाहिए, क्रिस्टलाइज नहीं होनी चाहिए लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपका बाउल भी ठंडा हो और आप जिससे विक्स कर रहे हैं वो भी ठंडा हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं हाथ से ही बनाकर दिखाऊंगी विक्स की मदद से। यहाँ पर हमें जो वो लोग जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और वो आइसक्रीम नहीं बना सकते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन जो है ना रेसिपी है मेरी मैंगो आइसक्रीम की। इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक व्हिप करेंगे, हाथ से बीट करेंगे, ठीक है, विक्स की मदद से। तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है बन करके। और अब मैं इसके अंदर जो क्रीम होती है नॉर्मल क्रीम का पैकेट वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये इसे हम इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी मेरे पास तकरीबन 200 ml है। तो शुगर का इस्तेमाल आपने देखा मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं किया है क्योंकि विप क्रीम जो है वो भी स्वीट थी और कंडेंस मिल्क जो है वो भी काफ़ी मीठा होता है, मैंगो भी मीठे होते हैं। तो इस आइसक्रीम में हम शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ देखें मैंने कोई भी चीज़ पकाई नहीं है, बिना कुक किए बिना चूल्हा जलाए हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके बिल्कुल समझे रेडी होने वाली है। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ख़ास करके वो लोग जिनके घरों में बच्चे हैं और वो आइसक्रीम खाने की ज़िद करते हैं तो उनके लिए आप फ्रेश माहौल में साफ़ सुथरे तरीके से घर पर ही आइसक्रीम बनाएं। और इसे चाहे तो आप अलग अलग शेप के जो मिलते हैं हमारे पास सांचे उसमें आप बना सकते हैं, चाहे तो एक कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं बना के, जब बच्चे चाहें उन्हें क्यूब्स निकालें और दें, बहुत ही मज़ा आता है खाने में भी। और मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं आप, दावतों में भी बना सकते हैं इसे। हर तरह से ये आइसक्रीम मैंगो की बेस्ट है, बहुत जल्दी बन के रेडी होती है। और जनाब बस इसका जो सेट होने का मरहला होता है उसी में वक्त लगता है। तो अब हम एक कंटेनर में इसको ऐड करेंगे एयर टाइट बॉक्स में और उसके बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे। या तो ओवरनाइट के लिए रखें या फिर आप जो है ना इसे तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है फ्रीज़र में रखें, तब आपकी आइसक्रीम का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस हल्का सा इसे टैप कर देंगे, कवर लगाएंगे और फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में सॉरी। तो जनाब देखें हमने ओवरनाइट के लिए इसे रखा था तो मज़ेदार सी हमारी मैंगो आइसक्रीम माशाल्लाह से बन के रेडी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। तो अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी क्रीमी कितनी बटरी बन के ये रेडी हुई है माशाल्लाह से। तो चाहें तो सब कुछ मुमकिन है, आप सबका सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। और मज़ेदार सी आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं। तो थोड़े से बादाम पिस्ते से इसे गार्निश कर दें इस तरह से और जनाब मैंगो आइसक्रीम का मज़ा आप घर बैठे उठा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।